कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो अभी इंटर कर चुके हैं गेट से, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं अंदर की तरफ, और जो फेमस यहाँ पर टेम्पल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है। तो जा रहे भी रस्ते में ही रिक्शा में बैठे, ताकि आप आगे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल। और गाइस अभी आ चुके हैं मंदिर, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रहा अपना मंदिर, ठीक है। और ये हमारे बैचमेट्स, ये रहे साथ के सभी। तो ये रहा अपना सामने मंदिर, पीछे देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए फोटोग्राफी, तो ये रहा अपना बगल में पार्क, और यहाँ भी तो फिलहाल यार थोड़ा बंद है गेट। मंदिर खुलने का समय है 4 बजे से 12 तक, और 1 से लेकर 9 बजे तक। तो यार अभी सब लोग वेट कर रहे हैं। तो भी खुल चुका है मंदिर, और अभी चलते हैं और अंदर की तरफ। आसपास का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, सभी कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, और अंदर की तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, और बहुत ही चित्रकारी वगैरह बनी हुई है दीवारों वगैरह पर, तो आप ऊपर जाएंगे और देख सकते हैं। देन अंदर पता ही है सब कुछ, सिर्फ लिंग है अपना, तो भी वहीं फटाफट से चलते हैं। आसपास मार्बल्स लगी हुई थी, तो भी क्या कि कैमरा बंद करने के लिए कहा जाता, और फिर उन्होंने दे दिया उसको फोटो। अभी हम आ चुके हैं अंदर मंदिर में, और आप जैसे कि मंदिर विश्वास वाले में थोड़ा भीड़ हो गया, 1 बजे गेट खुलता है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या सीखते हैं। यहाँ पर दीवार बनी हुई है, और सब जगह ऐसे ही अभी आरती आई थिंक होने वाली है। बाकी ये सब यहीं तक है, बाकी आप किसी को दिखा दीजिए। अभी भीड़ हो गया यहाँ पर, आ जाओ जी इधर साइड चलते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं, अभी यहाँ से एक्सिट होने वाला है मुंबई, और आप जैसे कि वहाँ देख सकते हैं तो हमारे महाराज नंदी हैं, वहाँ पर विराजमान है। चलिए उनके भी दर्शन कर लेते हैं आगे, और हमारे दोस्त सब जा रहे हैं आगे पीछे। तो ऐसा मानता है कि अगर आप नंदी भगवान के कान में कुछ कहेंगे तो आपकी मुराद पूरी होगी। तो चलिए आइए, चल के देखते हैं क्या विश मांगने वाले हैं। प्रभात, कान में कुछ कहना है? हाँ, क्या कहना है प्रभात? प्रभात केवल एक ही इच्छा, आप समझ सकते हैं क्या इच्छा है, वो बताऊंगा नहीं आपको, आप समझ सकते हैं, केवल मुस्कुराहट से समझ सकते हैं क्या इच्छा है इनकी। देखो भारती भी समझ गई। अब देख सकते हैं सब लोग नंदी बाबा के कान में क्या कुछ ना कुछ जा रहे हैं। देखिए मुकुल की मुस्कुराहट देखिए, आए हाय आए हाय। प्रभात भी बहुत खुश, जहाँ लगता है पूरी मुराद हो गई मानेगी नहीं। तो भी कर लिए दर्शन, अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर पार्क बना हुआ है, ठीक है, आगे पीछे। तो रीता ने बड़ी देर में ही बात बोल पाई। रीता एक बार इधर, ऐसा क्या आपने बोला नंदी महाराज के कानों में कि पीछे वाले कहने लगे कि बहुत बहुत देर कान में बता दो। मतलब पीछे वाले लाइन लगी थी, तो रीता इतना लंबा बोल रही थी ना, लाइन वाले कहने लगे कि भाई अब तो हो गया, दूसरे वाले कान में बता दो जो कान फ्री हो। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है अभी, तो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। ये सामने है पार्क, और ये कुछ नई चीज़ वहाँ पर आप देखिए। प्रभात ये देख नई चीज,
चलिए ये देखते हैं क्या है इसमें कुछ नया। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी तारीफ की जाए अपनी का। ये किसका पेड़ अंकल? अच्छा अच्छा, चलिए आइए हम पास से देखते हैं चलिए किसका पेड़ है। अगर आपको कुछ पता लगे तो बताना। इसमें देखिए कुछ फ्रूट जैसा लगे हैं, ये देखिए, ये पता नहीं किस चीज़ के फ्रूट्स हैं। बाकी ये रहा मंदिर, यार तो कैमरे में कैद नहीं हो रहा, इतना बड़ा मंदिर है। तो भी आ गए हैं मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं पर पीछे ये है अपना एंट्री गेट। घंटी है यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं पीछे। तो भी एक भैया आते हैं, उनके जब उन्होंने घंटी बजाई उनके घंटे में घंटी नहीं थी, ये किस्मत ख़राब उनकी। तो ये रहा पूरा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, भैया हम खेला दी जो है मना है। चलिए अभी हम घूम चुके हैं मंदिर, ठीक है अभी हम ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैंपस दिखाएंगे, तो अभी चल रहे हैं कैंपस की तरफ, ठीक है।